चीन ने भारत की सैन्य क्षमता को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने एक नई बहस खड़ी कर दी है। चीन के एक दल ने कहा है कि भारत की सेना चीनी सेना के लिए चुनौती नहीं बन सकती। ये बयान चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के शिष्टमंडल ने सिंगापुर में हुए शंग्रीला डायलॉग से इतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक पीएलए अकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेज के सीनियर कर्नल झाओ जिया झाओ ने कहा, आने वाले कुछ दशकों के दौरान भारत सैन्य ताकत में चीन का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होगा क्योंकि इसका औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, जबकि चीन सेना के लिए मैन्युफैक्चरिंग के बड़े और आधुनिक प्लेटफॉर्म बना चुका है। इस टिप्पणी के बाद चीन और भारत की सेना की मौजूदा ताकत की तुलना शुरू हो गई है। कई विश्लेषकों का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीनी सेना बेहद मजबूत है, लेकिन ये भी सच है कि हाल के कुछ सालों में भारत ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक 2018 से 2022 तक भारत ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात किया। पीएलए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और शंग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेने आए वरिष्ठ कर्नल झांग ली भी इस बात को मानते हैं। उन्होंने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से कहा कि भारत खुद को सुपर पावर बनाने के लिए सेना को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। दूसरी तरफ चीन भी लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने में लगा है। चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग ने इसी साल ऐलान किया था कि उनका देश 2023 में सेना पर $225 अरब खर्च करेगा, जो पिछले साल की तुलना में 7.2% ज्यादा है। चीन का $225 अरब का रक्षा बजट अमेरिकी रक्षा बजट का एक तिहाई है, लेकिन ये भारत के रक्षा बजट का 3 गुना है। 2023-24 में भारत का रक्षा बजट $54.2 अरब का होगा। साल 2020 में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। अमेरिकी थिंक टैंक यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का कहना है कि इस संघर्ष के बाद भारत ने चीन से लगी अपनी सीमाओं पर सैन्य तैयारियों को काफी रफ्तार दी है। भारत ने LAC पर लगभग 50,000 अतिरिक्त सैनिक लगाए हैं। बॉर्डर से लगे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए जा रहे हैं। LAC से सटी 73 स्ट्रेटेजिक सड़कें बनाई जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में ही 1430 मील लंबी सड़क तैयार हो रही है। भारत के 5.94 लाख करोड़ के रक्षा बजट में से 1.62 लाख करोड़ रुपए नए हथियार और सैन्य साजो सामान के लिए निर्धारित किए जा रहे हैं। ये बात तो तय है कि चीन अपनी सेना पर भारत से ज्यादा खर्च करता है, लेकिन क्या इससे भारत को परेशान होना चाहिए? इस पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चीनी अध्ययन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर अरविंद येलरी कहते हैं कि हर देश की रक्षा जरूरतें अलग होती हैं। चीन और अमेरिका सामरिक तौर पर दुनिया में खुद को जहां स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। जरूरी नहीं भारत इसमें उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर ज्यादा खर्च करे। चीन ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल उठाया है, लेकिन येलरी सवाल करते हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में चीन की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की गुणवत्ता कहां टिकती है, ये भी देखने वाली बात है। इसके साथ ही अरविंद येलरी कहते हैं कि चीन मैन्युफैक्चरिंग की जिस कथित कमजोरी की बात कर रहा है उससे ये नहीं समझना चाहिए कि भारत की सैन्य क्षमता मारक नहीं है। चीन के इस नजरिए को सुधारने की जरूरत है।